सबसे बड़ा बैटल आज के दिन खेला जाएगा, एग्जीबिशन मैच मीरा भाईंदर बनाम मीरा रोड। बड़ा बैटल, एक बड़ा एग्जीबिशन मैच यहां पर देखने मिलेगा। दर्शकों की गर्दी भी, एक ओर होगी मीरा भाईंदर तो दूसरी ओर मीरा रोड के बीच। मीरा रोड टीम की अगर बात की जाए तो यश यतिराज जेरू के शानू यॉर्कर किंग जावेद भाई मीरा रोड की टीम से दिखाई देंगे, तो धवल ध्रुपद भी होंगे उस टीम में। लेकिन भाईंदर से देखना होगा कौन कौन सी टीम प्लेयर खेलेंगे। और संजू ठाकुर पहली गेंद इस वक्त लेके चल पड़े हैं ध्रुपद पटेल के लिए। इसी बीच इस मैच की शुरुआत होते हुए पहली गेंद यहाँ पर, पहली गेंद में फंसा दिया, बड़ा विकेट यहाँ पर। इससे पूरे मैच में अब तक खराब प्रदर्शन रहा ध्रुपद पटेल के माध्यम से, काफी बेहतरीन यहाँ पर गेंद ललचाती हुई गेंद थी और बल्लेबाज को भेजा डग आउट में, निराश होता हुआ पूरा कंदारी किंग्स का डग आउट। नए बल्लेबाज मुदस्सिर बैटिंग के लिए आए हैं, लेकिन मुदस्सिर ने पहले मुकाबले में अच्छी बैटिंग की थी, अब यहां से अपेक्षा है कम से कम 40 प्लस का टारगेट यहां पर सेट किया जाए कंदारी किंग्स टीम के माध्यम से। इस वक्त यहां पर बैट का भारी किनारा, एक सिंगल रन यहां पर मिलेगा, एक सिंगल के साथ स्कोर बोर्ड में इजाफा और शुरुआत होती हुई वीरसी का नजर आता हुआ टीम का भी। और पहली गेंद पर पहला विकेट ध्रुपद पटेल को डगआउट में भेजा, उसके बाद यहां पर संजू ठाकुर अपसी करते हुए और अब स्ट्राइक एंड पर है यश टिक्कल। एक महत्वपूर्ण इनिंग यहां पर बिल्ड करनी पड़ेगी यश टिक्कल को, एक अच्छी शुरुआत अच्छा स्टार्ट यहां पर देना पड़ेगा यश टिक्कल को। फिर से एक बार तैयार होते हुए संजू टू यश टिक्कल, अच्छा स्ट्रोक यहां पर गैप में खेला है, सनी है वहां पर। हालांकि दोनों टीमों की बात की जाए तो दोनों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन दोनों ही टीमें एक एक मैच से अब तक हार चुकी है। फिर से एक बार तैयार, यहां पर अंपायर का सिग्नल आता हुआ व्हाइट बॉल, एक्स्ट्रा रन यहां पर आता हुआ, इस एक्स्ट्रा की मदद से स्कोर बोर्ड में इजाफा, स्कोर बोर्ड पर रन है 3। फिर से एक बार तैयार संजू तो मुदस्सिर, इस वक्त यहां पर देखना होगा यस नो का कॉल और सुपर पब्लिक क्रीज में चकमा देती हुई गेंद, बाउंस हुआ गेंद काफी ऊपर आई, उछली थोड़ा सा गेंद पड़ने के बाद और समझ नहीं पाए बल्लेबाज और गेंद रही डॉट के रूप में। फिर से एक बार बॉलर तैयार संजू, बैकफुट पर गए, जगह बनाया वहां पर रूम बनाया था, लेकिन सिंगल से यहां पर संतुष्ट होना पड़ेगा, एक सिंगल के मदद से स्कोर बोर्ड में इजाफा, स्कोर बोर्ड है 4। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर है 5, बॉल एक ओवर की समाप्ति के बाद अच्छा ओवर संजू ठाकुर के माध्यम से। हमारे तमाम सभी स्पॉन्सर का तहे दिल से शुक्रिया, टर्फ एडिट, बीकेपी, मौजूद शीनपा फाउंडेशन एंड टेक्नो कंसल्टेंट गीता यादव मैडम, स्वराज पाटिल, विकास पाटिल, सभी हमारे स्पॉन्सर का तहे दिल से शुक्रिया। साथ ही साथ प्रवीण जी पाटिल साहब, और एक सिंगल रन यहां पर आता हुआ, सिंगल के साथ शुरुआत करते हुए एक अच्छा शॉट यहां पर जरूर लगाया था
जस्ट टिकल ने, लेकिन बैट मिडल ऑफ द बैट नहीं हुआ, एक सिंगल रन उधर सिर्फ स्ट्राइक एंड पर। अच्छा शॉट है, वहां पर देखना होगा बॉल को स्टॉप किया इनफील्ड के अंदर, दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे लेकिन जस्ट टिकल का कॉल, कोई नहीं वेट यहां पर करते हुए, अगर चाहते तो दो रन पूरा हो सकता था लेकिन डेंजर जोन में भागना पड़ता था यश को, केवल सिंगल और सिंगल से स्कोरबोर्ड दर्शाता हुआ 7 रन। 8 बॉल का खेल हो चुका है अब तक, 7 रन स्कोरबोर्ड पर, 1 विकेट कंधारी किंग्स ने खोया है। यहाँ पर खराब बॉल आउटसाइड द लेग स्टंप, वाइट बॉल, जावेद मोहम्मद यहाँ पर इन एक्शन में आते हुए। अच्छा स्ट्रोक, नो चांस फॉर द फील्डर, जिस नाम के लिए जिस काम के लिए जाने जाते हैं वो काम अब यहाँ पर पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। लाजवाब स्ट्रोक, अच्छा स्ट्रोक, नो चांस फॉर द फील्डर, जिस नाम के लिए जिस काम के लिए जाने जाते हैं वो काम अब यहाँ पर। और यहाँ पर देखना होगा व्हाइट प्लस 4, टोटल मिलेंगे 5 रन। जो टीम यहाँ पर बैकफुट पर थी अब यहाँ पर जरूर में कहूंगा फ्रंट फुट पे आ गई, यहाँ पर लगातार 2 गेंदों पर 2 बाउंड्रीज यहाँ पर मिले, गलती करते हुए समीर पाटिल, समीर पाटिल के हाथों पर गेंद लगकर थोड़ा सा जरूर डाइवर्ट हुआ, जो डीप में खिलाड़ी थे वो भी डिस्ट्रैक्ट हुए, उसके बाद बॉल गई बाउंड्री लाइन के बाहर। टोटल रन संख्या स्कोरबोर्ड पर है 17। जिस प्रकार शुरुआत की आवश्यकता थी टीम कंधारी किंग्स को वो शुरुआत अब यहाँ पर मिल चुकी है। अच्छा स्ट्रोक, लेकिन संजू ठाकुर है, कोई गलती नहीं करेंगे, एक बेहतरीन फील्डर है और काफी अच्छे हिटर भी हैं, डायरेक्ट स्टंप पर लगा हिट लगाते हैं। इस ओवर की अब 4 गेंदे हो चुकी है, 2 बॉल बाकी है। और यहां पर खराब शॉट सिलेक्शन मुदसिर का, उन्हें पता है एक ओवर से आक्रमण हो रहा है, 2 बॉल बाकी है, दूसरे ओवर से भी अटैक करना चाहते थे, एक अच्छा कैच आयोवा के माध्यम से और बल्लेबाज आउट। और यहां पर खराब शॉट सिलेक्शन मुदसिर का, नवीन बॅट्समॅन विनीत बॅटिंग साठी उतरलाय, धावसंख्या स्कोर बोर्ड वर तबला आपल्याला पाहायला भेटत आहे 18 धावा आणि ओव्हर नंबर ज्या ठिकाणी 2 सुरू आहे, 2 ओव्हर मध्ये या ठिकाणी शेवटचा बॉल असणार आहे या दुसरा ओव्हर मधील। सनी या ठिकाणी बॉलिंग करतोय, थोडासा एक्सपेन्सिव्ह ओव्हर या ठिकाणी म्हणावं लागेल सनीच्या माध्यमातून, पहिल्या ओव्हर मध्ये चांगली बॉलिंग या ठिकाणी राहिली संजूच्या माध्यमातून, त्यानंतर सेकंड ओव्हर मध्ये थोडासा धावा जास्त खर्च करत असताना सनीला आपण पाहतोय, पहिल्या ओव्हर मध्ये 5 धावा, आतापर्यंत 5 बॉल मध्ये 13 धावा खर्च करतोय सनी, तर पुन्हा एकदा सनी तयार होत आहे विनीत साठी। चांगला फटका सिंगल या ठिकाणी घेतली जात आहे, एक चांगला फटका एक्झिक्यूट करतोय आणि या सिंगलने धावसंख्या पुढे सरकत आहे तब्बल 19 धावा, 19 लॉस ऑफ 2 विकेट या ठिकाणी प्रथम बॅटिंग करत असताना कंधारी किंग टीम, 19 आफ्टर 2 ओव्हर। बॉलिंग साठी ओव्हर नंबर 3 घेऊन एक जबरदस्त ऑलराऊंडर प्लेअर टीम, मिशू 11 साठी अवधूत सज्ज होत आहे बॉलिंग साठी, विनीत आहे स्ट्राईक एंडला, तर नॉट स्ट्राईक एंडला पाहतोय यश टिकला जाता बॅट मधून, आतापर्यंत 4-5 बॉल खेळलाय, 5 बॉल मध्ये 8 धावा केल्यात, चांगला फटका बॅक टू द बॉलर ट्राय, मात्र धावा काही येत नाही, बॉल येतोय डॉट बॅटवर प्रॉब्लेम मिडल करतोय, मात्र गॅप शोधू शकत नाही, गॅप शोधला प्रयत्न मात्र असफल ठरतोय, यावेळी चांगला फटका सॉफ्ट हँडनी खेळून काढलाय आणि एक सिंगल रन। एक सिंगल नाही धावसंख्या पुढे सरकत आहे 2020।
थर्ड अंपायर चेक करत आहेत, कारण जसं डाऊट आहे जे कंधारी किंग्सच्या डगआउट मधून की चौकार आहे ते डाऊट या ठिकाणी क्लिअर करण्याचा प्रयत्न आमचे एनडी स्पोर्ट्स लाईव्ह टीमच्या माध्यमातून केला जात आहे. तर एक्झॅक्टली काय आहे या ठिकाणी आपण पाहूया डिसिजन काय येईल अंपायरचा. डिसिजन या ठिकाणी पेंडिंग आहे, कारण जे बॉल कलेक्ट केला होता ते पडद्यात एक्झॅक्ट बाउंड्री लाईनच्या एक्झॅक्ट एकदम बाजूने कलेक्ट केला होता. मात्र ते पाहूया स्पर्श झालाय की नाही. जर स्पर्श झाला असेल तर नक्की 4 धावा कंधारी किंगच्या अकाउंट मध्ये म्हणजे स्कोरबोर्ड मध्ये ऍड होतील, आणि नाही तर 1 धावा तर नक्की झालेल्या आहेत. तर डिसिजन पाहूया अंपायरचा काय येईल. आमचे एनडी स्पोर्ट्स लाईव्ह टीमचे सर्व मेंबर्स त्या ठिकाणी आहेत आणि अंपायर्स थर्ड अंपायर्स देखील त्या ठिकाणी आहेत. टेक्निकल टीम पूर्ण या ठिकाणी सज्ज आहे. येणारे महिन्यामध्ये येणारे दिवसामध्ये आपल्याला मोठमोठी स्पर्धा नक्कीच या ठिकाणी या मीराबाईच्या नगरीमध्ये पाहायला भेटणार आहे. बादशाह मैदानावर म्हणा, आनंद साहेब मैदानावर म्हणा की गोरदेव गावामध्ये म्हणा, नक्कीच भरपूर मोठी मोठी स्पर्धा, कारण इलेक्शनचा दौर या ठिकाणी सुरुवात होईल तेव्हा मॅचला देखील भरपूर सुरुवात या ठिकाणी असणार आहे. आणि त्या मैदानावर तुम्ही ओरमचे मॅचेस देखील पाहू शकाल. बादशाह प्रीमियर लीग, मीरा भाईंदर प्रीमियर लीग, मल्हार स्पोर्ट्स आयोजित मल्हार स्पोर्ट्स चषक. येस अंपायर डिसिजन सिंगल. येस थँक्यू. 20 लॉस ऑफ 2 विकेट. थर्ड ओव्हर इज गोइंग ऑन. अवधूत पुन्हा एकदा बॉलिंग मध्ये सज्ज होत आहे. फिल्डिंग मध्ये थोडासा परिवर्तन त्याच्या माध्यमातून केला जात आहे, कारण त्याला माहित आहे एक धडाकेबाज फलंदाज स्ट्राईक एंडला आहे म्हणजे यश टिक्कल. जर जराही रूम दिला, जराही खराब बॉल टाकला तर नो डाऊट त्या बॉलवर बॉलला कन्वर्ट करेल 4 किंवा 6 मध्ये यश टिक्कल. 2000 वाई चषक मध्ये एका मॅच मध्ये अफलातून बॅटिंग केली होती यश टिक्कलनी. मात्र सीझन 2020-21 मध्ये देखील चांगली बॅटिंग. मात्र आज पाहूया या ठिकाणी बॉल या ठिकाणी येतोय डॉट. चांगला कमबॅक या ठिकाणी केला जात आहे अवधूतच्या माध्यमातून. मागील मॅच मध्ये देखील पहिल्या 2 ओव्हर मध्ये 30 धावा होते. लान्सिंग डाऊन द विकेट पुढे आले, मात्र गॅप शोधला, जबरदस्त फटका. मी पहिला सांगितला होता खराब बॉल आला तर ते बॉलला पाठवणार बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, आणि हे सर्व उत्तर या खराब बॉलचा दिलेला आहे. प्रॉपर 4 धावा प्राप्त केले जात आहे. पुन्हा एकदा फुलटॉस बॉल आणि पुन्हा एकदा सेम ऍक्शन रिप्ले. बॅक टू बॅक 2 बॉल 2 बाउंड्री. भरपूर दूरवर आहे बॉल आणि 4 धावा बॅक टू बॅक 2 फुलटॉस बॉल आणि ते दोन्ही बॉलला कन्वर्ट केलंय चौकारामध्ये. वेल डन बाय यश टिकल. सिद्धि सिद्धि डेकोटर्स के अगर कोई स्टाफ यहाँ पर होगा तो उनसे निवेदन है कि कमेंट्री बॉक्स में आना है. रिद्धि सिद्धि डेकोटर्स अक्षय सालियन जी. और यहाँ पर जोरदार अपील, बल्लेबाज आउट क्योंकि बैट उनके हाथों से स्किप हुआ, बैट छूटा, सपना टूटा और जाएंगे डगआउट में. बैट यहां पर ग्राउंडिंग करना चाहते थे लेकिन ग्राउंडिंग नहीं हुआ. रन संख्या स्कोर बोर्ड पर है 28 रन. दिग्विजय नवीन फलंदाज बॅटिंग साठी उतरलाय, मात्र साथ द्यावं लागेल यश टिक्कलचा फक्त, कारण यश टिक्कल एका बाजूनी नक्कीच अफलातून बॅटिंग करतोय आपल्या टीम साठी.
तीन ओवर 28 धावा झालेले आहेत, अजूनही 6 बॉलचा खेळ या ठिकाणी बाकी आहे। मानव ओवर नंबर 4 घेऊन या ठिकाणी सज्ज होत आहे। समोर आहे यश टिकल, मानव टू यश, रिवर्स फटका आणि नो बॉल अंपायरचा, म्हणजे टोटल या बॉलवर भेटतील 5 धावा। वेल डन बाय यश, आणि जे धावांचा रथ कुठेतरी थांबला होता त्याला नक्कीच पुढे घेऊन जाण्याचा प्रयत्न यश टिकलच्या माध्यमातून, आणि 5 धावा येत आहे आणि या 5 ने धावसंख्या पुढे सरकत आहे 33। धावसंख्या स्कोरबोर्डवर 33 धावा झालेले आहेत। अजूनही या ठिकाणी एका बाजूने अफलातून बॅटिंग करत असताना यश टिकल त्याच्या बॅटमधून 4 चौकार आतापर्यंत या ठिकाणी आपल्याला पाहायला भेटलाय। अजूनही 6 बॉलचा खेळ बाकी आहे, नो डाऊट जर शेवटपर्यंत राहिला तर अजूनही 2 किंवा 3 चौकार मात्र विकेट हवा आहे या ठिकाणी। ध्रुपद पटेलला भरपूर लवकर म्हणजे पहिल्या बॉलवर बाद केला होता, त्यानंतर नक्कीच चांगली बॅटिंग करतोय यश टिकल आपल्या टीमसाठी। पुन्हा एकदा रिवर्स फटका क्षेत्रच्या ठिकाणी आहेत, सिंगल रन, बॉडी बॅलन्स थोडासा बिघडला गेला होता मात्र स्ट्रोक तरी देखील या ठिकाणी कम्प्लीट केला जात आहे यशच्या माध्यमातून, फक्त सिंगल। मानव 2 बॉल मध्ये 6 धावा खर्च करतो, 1 बॉल मध्ये 6 धावा खर्च करतोय। खराब बॉल आउटसाइड द लेग स्टंप, व्हाइट बॉल, एक सिंगल रन, दिग्विजय। चांगला बॉल, एक सिंगल रन या ठिकाणी भेटेल या बॉलवर देखील, आणि या सिंगलने धावसंख्या पुढे सरकत आहे स्कोरबोर्डवर तब्बल 36 धावा। स्कोरबोर्ड वर धावसंख्या, मानस पुन्हा तयार होता यश टिकल साठी। चांगला फटका, टॅपचा फटका, मयूर पाटील त्या ठिकाणी आहेत, कुठलाही चूक करणार नाही, एक सिंगल, आणि या सिंगलने धावसंख्या पुढे सरकत आहे तब्बल स्कोरबोर्ड वर 37 रन। 3 बॉलचा खेळ बाकी आहे आणि या ठिकाणी पाहूया ये अंपायर पे दबाव नहीं बनाना है किसी प्रकार का, अंपायर का डिसीजन अंपायर को अलाउड है, थर्ड अंपायर के लिए भी आ सकते हैं। ये थर्ड अंपायर यहाँ पर लिया है, डिसीजन पेंडिंग है, यहाँ पर देखना होगा, एनडीसी स्पोर्ट्स टेक्निकल टीम लग चुकी है, देखना होगा, डिसीजन अब तक पेंडिंग है, नो है कि फेयर डिलीवरी है। प्लेयर को नहीं जाना है वहां पर संजू, डिसीजन अंपायर का आएगा आप तलक। इस अंपायर का सिग्नल
यस सर, फेयर डिलीवरी, केवल सिंगल रन और स्कोर बोर्ड पर रन है अब 38 रन। दोनों ही टीमों के लिए डू और डाई, जो टीम जीतेगी वो नेक्स्ट राउंड में यहाँ पर क्वालिफाई करेगी, नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई नहीं करेगी, इसका एक मुकाबला जरूर बाकी है, खेलना है, लेकिन इस प्रतियोगिता में बनी रहेगी। जो टीम जीतेगी वो टीम इस प्रतियोगिता में बने रहेगी, वो फाइट करते हुए दिखाई देगी आरसी टीम के साथ। और एक सिंगल रन यहां पर पूरा करते हुए देखना होगा दूसरे के लिए तेजी के साथ, और यस नो क्रीज छोड़ दिया है गलती करते हुए, थोड़ा सा जरूर दबाव में थे, नौशाई के एंड पर अपना क्रीज छोड़ा, दूसरे रन सोचे, उन्होंने सोचा कि दो रन कंप्लीट हो सकते हैं, लेकिन वहां पर एक बड़ा विकेट, यश टिक्कल को यहां पर जाना पड़ेगा डगआउट में। रोहित बैटिंग के लिए गए हैं, रोहित कम गेंदे खेलने का मौका, लेकिन हीरो बनने का भी मौका है अगर दो बाउंड्री लगाते हैं, लेकिन यहां पर खराब गेंद मानव के माध्यम से व्हाइट बॉल का सिग्नल अंपायर का। लास्ट बॉल यहां पर देखना होगा फिर से डायरेक्ट हिट, यस विकेट का होता हुआ पतन, स्कोर बोर्ड पर रन बने हैं 40 और 41 रन का यहां पर टारगेट। फोर्टी रन का टारगेट है, 40 रन। रिद्धि सिद्धि डेकोरेटर्स के हमारे सभी स्टाफ, उनका दिल के गहराइयों से धन्यवाद। क्या लाजवाब यहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था और पूरे ही पूरे मंडप की व्यवस्था यहाँ पर की है, सभी का तहे दिल से शुक्रिया।
मैच यहाँ पर ऑन होता हुआ। सेकेंड इनिंग चेस करने के लिए बैटिंग के लिए उतरे हैं सनी। 40 रन यहाँ से बनाने हैं टीम को जीतने के लिए। मयूर पाटिल होंगे नॉट स्ट्राइक एंड पर। आज मयूर पाटिल को जरूर पूरा रायगांव देखता होगा, पूरा मीरा भाईंदर देखता होगा। आज देखना होगा किस प्रकार की बल्लेबाजी मयूर पाटिल। हालांकि पहले मैच में ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाए, लेकिन इस मैच में अपेक्षा उनसे भरपूर है। एक बेहतरीन खिलाड़ी है और गेंदबाजी की कमान पर आते हुए अखिल लांबियार कंधारी किंग्स टीम के लिए। सनी जिन्होंने पहले मुकाबले में 4 बाउंड्रीज लगाए थे और एक दुर्देव के रूप में रनआउट के रूप में विकेट उनका गया था क्रुशियल टाइम पे। और यहाँ पर अखिल लांबियार की पहली गेंद स्टार्ट किया है वाइट के साथ। विश्व 11 की टीम शुरुआत करते हुए एक सिंगल के साथ। फिर से एक बार लगातार 2 गेंदे 2 वाइड और 4-2 रन स्कोरबोर्ड पर दर्शाता हुआ। इस वक्त यहां पर अच्छी गेंद समझ नहीं पाए बल्लेबाज, ग्लांस करना चाहते थे गेंद को, कलाइयों का इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन बैटर बॉल का कोई संपर्क नहीं, पैड पर लगी गेंद और डॉट के रूप में। अखिल लांबियार फिर से एक बार तैयार इस ओवर की अगली गेंद लेकर। इस ओवर में अब तक हालांकि एक गेंद अच्छी, लेकिन 3 वाइड अखिल लांबियार अब तक करते हुए और रन संख्या स्कोरबोर्ड पर टोटल 3 रन। सनी इस वक्त गैप में खेला है। यस, पहले मैच में 4 बाउंड्री और इस मैच में भी शुरुआत कर दी है बाउंड्री के साथ। रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 7। काफी खराब गेंद, हाफ ट्रैकर गेंद थी, रूम दिया और पूरा का पूरा उसका फायदा उठाते हुए सनी। एक बाउंड्री यहां पर उनके बल्ले से। फिर से एक बार खराब बॉल, हालांकि रन खर्च कर चुके हैं टोटल अब तक 8। एक बाउंड्री 4 वाइड। दो बॉल में रन खर्च करते हुए टोटल 8, हालांकि एक डॉट बॉल थी उसमें और 4 वाइड 1 बाउंड्री। इस वक्त यहां पर फटका फंसता हुआ ऊपर लगा इस वक्त बल्ले का और अब मैदान छोड़ना पड़ेगा सनी को। पहला विकेट यहां पर विश्व 11 टीम के लिए। नए बल्लेबाज नंबर 2 पर लेजेंड खिलाड़ी एक और मीरा भाईंदर के एक बेहतरीन खिलाड़ी समीर पाटिल आए हैं खेलने के लिए। 40 प्लस हैं, लेकिन आज भी उनका तजुर्बा और उनका जोश और उनकी चाहत क्रिकेट के लिए कम नहीं है। आज भी चाहते हैं, अच्छी बैटिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अब देखना होगा यहां से किस प्रकार की बैटिंग करेंगे। स्कोर बोर्ड पर रन संख्या है 8। शुरुआत तो अच्छी हो चुकी है मिश्र 11 टीम की, लेकिन इस शुरुआत को एंड तक अच्छा रखेंगे देखना होगा। अच्छा शॉट यहाँ पर गैप में है, खिलाड़ी वहां पर तैनात है और गेंद को फील्ड करते हुए सिंगल के साथ 1 रन मिलता हुआ। मीरा भाईंदर नगरी ऐसी है दोस्तों, जहां पर कोई बल्लेबाज अच्छी बैटिंग करता तो तालियां अपने आप निकलती है दर्शकों से, अच्छी फील्डिंग होती है तो अपने आप तालियां उसके लिए आती है, बोलना नहीं पड़ता है। क्रिकेट के चाहते, क्रिकेट के दर्दी प्रेक्षक हमारे साथ यहां पर सभी लोग आए हैं, उनका सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है। मीरा भाईंदर चषक सीजन 2020-21। अखिल लांबियार तैयार मयूर पाटिल के लिए। यहाँ पर सुशीट का फटका, ओहो क्या बात है, बल्ले पर लगने के बाद गेंद ऐसे लगी जैसे धनुष में से बाण निकलता है उस प्रकार का, यहाँ पर तेजी के साथ गई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। कोई मौका नहीं किसी खिलाड़ी को, केवल और केवल 11 खिलाड़ी देखते रह गए गेंद को। 4 के साथ स्कोरबोर्ड पर रन दर्शाता हुआ 13 रन 13 रन। एक महंगा ओवर इस वक्त यहाँ पर पैडल स्विप करना चाहते थे, लेकिन अच्छी गेंद अच्छी वापसी इस गेंद पर की है और बॉल रही डॉट के रूप में। 1 ओवर समाप्ति, यस 1 ओवर एंड। 1 विकेट यहाँ पर खोया है। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पर रन है टोटल 13 रन 1 विकेट
और स्कोर बोर्ड पर रन है 13, 40 रन बनाने टारगेट है और 40 में से शुरुआत 13 के साथ की है, 13 स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। 18 बॉल 27 जो रिक्वायर्ड रन रेट था 10 का, अब यहां पर 9 का हो चुका है। जस्टिकल पहली गेंद यहां पर, लेकिन काफी खराब गेंद, शुरुआत यहां पर फिर से वाइट के साथ करते हुए। यस पहले मुकाबले में अच्छा ओवर फेंका था, 5 रन केवल खर्च किए थे, लेकिन इस मुकाबले में देखना होगा। यहां पर काफी बेहतरीन गेंद, बीट किया बल्लेबाज को और बॉल रही इस वक्त डॉट के रूप में। स्कोरबोर्ड पर रन है 14, 40 रन का पीछा करते हुए मुंशी लेमन की टीम। यहां पर प्रॉपर मिडल नहीं हुआ, लॉन्ग ऑफ में खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद आती हुई लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में एक सिंगल के साथ। यहां पर समीर पाटिल स्ट्राइक को रोटेट करते हुए और मयूर पाटिल को इस वक्त आमंत्रित किया है स्ट्राइक एंड पर। रन है स्कोरबोर्ड पर 15, 25 रनों की आवश्यकता, 16 बॉल और 25 रन। मयूर पाटिल इस वक्त डिस्कस करते हुए थोड़ा सा अंपायर के साथ और अपेक्षा भरपूर है विश्व इलेवन टीम को कि एक अच्छा पारी, एक लंबी पारी यहां पर खेले मयूर पाटिल अपनी टीम के लिए और जो जीत का अंतर है उसको कम करे। अच्छा स्ट्रोक यहां पर, खिलाड़ी वहां पर तैनात है, एक रन इसी बीच चुराते हुए दोनों ही बल्लेबाज और एक रन के सारे स्कोर बोर्ड दर्शाता हुआ 16 रन। सिंगल डबल क्रिकेट की लाइफ लाइन और उस पर पूरा का पूरा यहां पर बढ़ देते हुए दोनों ही बल्लेबाज। उन्हें पता है कि यस्टिकल एक बेहतरीन गेंदबाज है, उनके अगेंस्ट में अगर 6 बॉल में 8 से 9 रन आते हैं तो एक अच्छा सम्मानजनक स्कोर कहा जाएगा, क्योंकि आने वाले 2 ओवर में किस प्रकार से यहां पर रनों को चेस करेंगे ये भी देखना इंपॉर्टेंट होगा। समीर पाटिल एक अनुभवी खिलाड़ी है, लेकिन देखना होगा अपना अनुभव यहां पर किस प्रकार से लगाएंगे। फिर से तैयार समीर पाटिल स्ट्राइक एंड पर। इस वक्त यहाँ पर काफी खराब गेंद और 1+4, कोई मौका नहीं ध्रुपद पटेल के लिए भी गेंद को कलेक्ट कर पाना, क्योंकि गेंद फेंकते ही जब हाथ से छूटा तब पहले ही कह दिया पकड़ पकड़, लेकिन गेंद को पकड़ नहीं पाए, मिले टोटल 5 रन। टर्निंग पॉइंट का वापसी करते हुए इस 5 रन के मदद से स्कोरबोर्ड में इजाफा होता हुआ, स्कोरबोर्ड 21, 19 रनों की दरकार इस मैच को जीतने के लिए, 15 बॉल 19 रन का मैच। यहां पर बॉलर फिर से एक बार तैयार, फिर से एक बार गेंद, हालांकि अखिल लांबियार ने भी काफी लंबा ओवर फेंका, 4 एक्स्ट्रा रन दिए और इसी प्रकार की गेंदबाजी यश ट्रिकल से भी अनएक्सपेक्टेड है यहां पर, लेकिन क्रिकेट है दोस्तों। एक बार यस राइट एम राउंड द विकेट से तैयार होते हुए प्रशांत समीर पाटिल के लिए, अच्छा शॉट यहां पर बोल कर। परफॉर्मेंस इज अ टेम्परावरी बट क्लास इज अ परमानेंट, जिस प्रकार समीर पाटिल बोल कर सौकर, क्या बात है, बेहतरीन शॉट यहां पर समीर पाटिल के बदले से निकलता हुआ। 40 प्लस है लेकिन आज भी तजुर्बा कॉन्फिडेंस लेवल जबरदस्त है, अगर गेंद उनके रडार में मिली तो गेंद को फेंकते हैं डायरेक्ट बाउंड्री लाइन के बाहर, ओल्ड इज गोल्ड। स्कोरबोर्ड पर रन दर्शाता हुआ 26 रन, 26 रन, 14 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। समीर फिर से एक बार तैयार,
दो ऐसे खिलाड़ी एक सिंगल और सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर बोर्ड पर अंदर जाता हुआ 27 रन 13 रनों की और आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए मयूर उपाध्याय अंडरम में और स्पेशली टेनिस क्रिकेट में काफी कम ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो ग्लोव्स का इस्तेमाल करते हैं जिनके हाथों से ज्यादा पसीना आता है उस वजह से ग्लोव्स यहाँ पर वेयर करते हैं और एक सिंगल रन यहाँ पर पूरा करते हुए अच्छी शुरुआत दो ओवर के समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पर रन है 28 मिशी 11 टीम की 12 बॉल और 12 रन की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए आरसी 11 टीम रेडी रहना है कैप्टन ने टॉस बॉक्स में उपस्थित रहना है आरसी 11 टीम कैप्टन बारह बॉल और 12 रनों की आवश्यकता विनीत इस वक्त आए हैं गेंदबाजी की कमान पर और सामने है मयूर पाटिल हालांकि अच्छा साथ देते हुए मयूर पाटिल सलामी के लिए आए थे इस वक्त यहां पर देखना होगा स्ट्रोक खेलने की दिशा कुछ अलग थी और कुछ अलग दिशा में और ये एक बेहतरीन स्ट्रोक निकलता हुआ मयूर पाटिल के बल्ले से दो बाउंड्री अब तक यहां पर लग चुकी है ऐसा लगा था कि पॉइंट वर खेलेंगे हेडमैन में खेलेंगे लेकिन गेंद आई फाइन लेग पर मूवमेंट यहां पर नहीं कर पाए कोई खिलाड़ी और मिलेंगे पूरे 4 रन मयूर पाटिल के बल्ले से निकलता हुआ उनके इनिंग का ये दूसरा बाउंड्री इस वक्त कल के आज से खेला है एक सिंगल रन यहां पर मिलेगा इस सिंगल के साथ स्कोर बोर्ड में इजाफा 33 रन 7 रनों की और आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए मिशी 11 टीम को समीर पाटिल अच्छी शुरुआत अपनी टीम के पर की है अब तक 4 बॉल में 6 रन का योगदान एक बाउंड्री उनके बल्ले से भी देखने मिली विनीत तैयार यहाँ पर कंधारी किंग्स के सभी खिलाड़ियों का थोड़ा सा शोल्डर में कहूंगा डाउन होता हुआ और यहाँ पर कुछ अलग करने की चाहत कोई चांस यहाँ पर नहीं लिया और बॉल रही डॉट के रूप में विनीत तैयार स्कोरबोर्ड पर है रन 33 7 रनों की आवश्यकता है 9 बॉल में 7 रन 9 बॉल 7 रन की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए काफी एक्सपेंसिव ओवर दोनों ही स्ट्राइक गेंदबाज कंधारी किंग्स के टीम के इस टूर्नामेंट के अखिल नाम्बियार और साथ ही साथ यश टिक्कल काफी महंगा ओवर लेकिन यहां पर विनीत काफी प्रभावित करते हुए अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में यहाँ पर करते हुए समीर पाटिल को यहाँ पर जरूर थोड़ा सा दबाव महसूस करते हुए समीर पाटिल गेंद आते हुए डॉट के रूप में 8 बॉल 7 रन लगातार 2 बॉल 2 डॉट यहाँ पर समीर पाटिल के माध्यम से फिर से एक बार विनीत तैयार फुल टॉस कदमों का इस्तेमाल वहां पर बेहतरीन फील्डिंग या स्टिकल के माध्यम से एक सिंगल केवल मिलेगा फुल टॉस गेंद थी बॉटम में हैंड का काफी अच्छा इस्तेमाल यहां पर किया सिंगल केवल एक रन और इस एक रन से स्कोर बोर्ड दर्शाता हुआ 34 रन अरे भाई मेरे को भूल गया अरे उस दिन पता है मैं रहा था अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर खुद के फॉलो थ्रो में गेंद को स्टॉप करना चाहते थे एक सिंगल रन एक अच्छा ओवर यहाँ पर विनीत के माध्यम से ओवर नंबर 3 यहाँ पर खत्म होता हुआ 6 बॉल में 5 रनों की आवश्यकता 12 बॉल 12 का समीकरण था उसमें 7 रन खर्च किए अब 6 बॉल 5 एक अच्छा कॉन्टेस्ट यहाँ पर देखने मिल सकता है दर्शकों को हालांकि पहले दो गेंदों पर एक विकेट या डॉट आई तो एक अच्छा मैच यहाँ पर जरूर देखने मिलेगा जो
चार वाइट अकील नाम्बियार, तीन वाइट यस्टिकल और उसके ऊपर एक बाउंड्री। एक्स्ट्रा रन काफी खर्च किए, टोटल 11 रन एक्स्ट्रा यहां पर खर्च किए। हालांकि विनीत ने एक बाउंड्री खाने के बाद भी काफी अच्छा ओवर किया, केवल 7 रन खर्च किए, 5 बॉल 6 बॉल 5 रन। महेश बॉलिंग के लिए तैयार, 6 बॉल 5। छह बॉल पांच रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। गेंदबाजी पर लाया है महेश को, ये क्या लास्ट ओवर पांच छह, हां एक हां। फुल टॉस बॉल आउट ऑफ द पार्क, गलती कर बैठे मयूर पाटिल, ये दूसरी बार इस प्रतियोगिता में गलती की है, दो बार आउट ऑफ द बॉक्स स्ट्रोक लगाया और बल्लेबाज को अब जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैच में पकड़ करने की कोशिश, अब थोड़ा सा दबाव बना लिया है मैं कहूंगा। 5 बॉल 5 रन, नए बल्लेबाज अवधूत आते हुए बैटिंग के लिए। यहाँ पर मैच क्लियर करना चाहते थे मयूर पाटिल, लेकिन प्रॉपर एलिमिनेशन नहीं हुआ, थोड़ी सी ऊपर रही गेंद और बल्लेबाज को जाना पड़ा डगआउट में। 5 बॉल 5 रन की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। फुल टॉस बॉल और यहां पर देखना होगा विकेट गॉन, खुद के फॉलो थ्रो में बॉल को स्टॉप किया बल्लेबाज यहां पर अवधूत, बैक टू द पवेलियन। अब यहां पर प्रेशर बना लिया है, खतरे की घंटी अब कौन सी टीम के लिए। 4 बॉल 5 रन, पैसा वसूल मुकाबला, ठंडी के मौसम में गर्मी दिलाने वाला यह मुकाबला। 4 बॉल 5, पीयूष 4 बॉल 5 रन। विकेट की अगर बात की जाए तो 5 विकेट गए थे कंधारे किंग्स टीम के और इस वक्त मिशु इलेवन के 3 विकेट गए। 4 बॉल 5 रनों की आवश्यकता, काफी अच्छी गेंदबाजी अब तक महेश के माध्यम से यहां पर, लेकिन समीर पाटिल अनुभव का भंडार है, लेकिन उस भंडार में से कौन सा स्ट्रोक यहां पर निकालेंगे देखना होगा। 4 बॉल 5, एक बाउंड्री उनके बल्ले से जरूर देखने मिली, लेकिन गेंदे भी काफी डॉट की है, 3 गेंदे अब तक समीर पाटिल ने डॉट की है। 4 बॉल 5 रन, महेश तैयार, लगातार 2 विकेट गेंदों पर 2 विकेट लिए इस वक्त। यहां पर बेहतरीन गेंद देखना होगा, पैड पर गेंद लगी, एक अच्छी चतुराई भरी गेंदबाजी करते हुए महेश। 3 बॉल 4 रन, अगर मुकाबला टाई होता है तो सबसे पहला विकेट दिखाया जाएगा, विकेट इक्वल है तो टॉस, जो टीम टॉस जीती है उसके पक्ष में। 3 बॉल 4, आज के दिन हमें जरूर एक फाइनलिस्ट टीम यहां पर मिलेगी और मोस्ट अवेटेड टूर्नामेंट मैच यहां पर खेला जाएगा, एग्जीबिशन मैच मीरा रोड बनाम भाईंदर। यहां पर चेक करते हुए 3 बॉल और 4 रन, दिलों की धड़कनों को बढ़ाने वाला यह मुकाबला। थोड़ा सा समय लेते हुए गेंदबाज, फुल टॉस बॉल गैप में खेला है और एक रन मिलेगा केवल, यस एक ही रन मिलेगा, लक यहां पर मैं कहूंगा टीम कंधारी किंग्स का। 2 बॉल 3 रन, दो बॉल 3 रन, काफी महत्वपूर्ण बॉल, ये बॉल काफी इंपॉर्टेंट होगा, सामने होंगे संजू ठाकुर। 2 बॉल 3 रन काफी यहां पर कुशल, अगर अब तक 6 बॉल में 5 रन की आवश्यकता थी, लेकिन क्या गेंदबाजी रही महेश के माध्यम से। 2 बॉल 3 रन क्या आवश्यकता इस वक्त मिशु इलेवन टीम को, हालांकि पहले मैच में भी देखा मिशु इलेवन ने
अच्छे से तीन ओवर की खेले, इसके बाद छह बॉल में आठ रन चाहिए थे तब मुकाबले हार गए। अब यहाँ से दो बॉल में तीन रन, क्या होगा रिजल्ट मैच का? महेश तैयार संजू के लिए। एक सिंगल यहां पर कंप्लीट करते हुए दोनों ही बल्लेबाज, और देखना होगा यस नो, यस नो विकेट का बदन। दो बॉल, एक बॉल दो, कंधारी किंग्स के पांच विकेट गए हैं, मिशी इलेवन के चार विकेट गए हैं। एक बॉल दो रन, अगर मिशी इलेवन विकेट ठीक होकर एक रन करते हैं तो मुकाबला जीत सकते हैं। एक बॉल दो रन, एक बॉल दो रन, विकेट चार और पांच है। अगर विकेट मुकाबला टाई होता है तो सबसे पहले विकेट देखा जाएगा, अगर विकेट भी टाई है तो जो टीम टॉस जीती है उसके फेवर में, और टॉस जीता है मिशी इलेवन टीम ने, बैटिंग करने वाली टीम ने टॉस जीता है। एक बॉल दो रन, पैसा वसूल मुकाबला। अगर ये मुकाबला पसंद आया हो तो जरूर तालियां होने चाहिए। एक बॉल दो रन, प्रेशर ऑन फील्डर, प्रेशर ऑन बॉलर, प्रेशर ऑन अंपायर। काफी कम बार देखने मिलता है कि अंपायर की भी बड़ी प्रेशर होता है, लेकिन काफी क्रूशियल होगा अंपायर का निर्णय भी किसी भी प्रकार का, इसीलिए हम अंपायर पूरी तरह से अलर्ट है। एक बॉल दो, एक बॉल दो, जो गलती मिशी इलेवन टीम ने पहले मैच में की, छह बॉल आठ का मैच लाकर छोड़ दिया, हालांकि हार गई। अब यहां पर छह बॉल पांच का मुकाबला एक बॉल दो आ गया, क्या मैच यहां पर होता हुआ। एक बॉल दो रन, महेश तैयार। एक बॉल दो, अम्ब्रेला फील्डिंग यहां पर लगाई गई है, पूरा ही पूरा सभी खिलाड़ी एकदम क्लोज, क्लोज टू फील्डर यहाँ पर गैप में खेला है। एक सिंगल रन कंप्लीट, और मैच को जीत लिया है मिशी इलेवन टीम ने, भले ही मुकाबला टाई हुआ लेकिन विकेट के जोर पर यहाँ पर मैच को जीता है। वेल डन महेश, काफी अच्छी गेंद, केवल और केवल चार रन का ओवर, गुड बॉलिंग महेश।